जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राजेश जाट एक बार फिर से आपका जे आर डिफेंस अकेडमी उज्जैन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नोबल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में किन किन को मिला है उसके बारे में ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। तो बने रहिए और कोशिश करिए, समझने की कोशिश जरूर करना दोस्तों। ये भी ट्रिक आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। एक बार आप समझ लेना, क्योंकि जितनी भी मैं ट्रिक बनाऊंगा ना, ये आपकी लाइफ से रिलेट करते हुए ट्रिक है। तो चलिए आज बात करते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2019 का नोबल पुरस्कार किस किस को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए याद कैसे करना है। फिजिक्स, आप इस वर्ड को पकड़ना, फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, जो फिजिक्स से आप क्या समझते हो, फिजिक्स मतलब फिजिकली स्ट्रांग, मतलब फिजिकल से आप फिजिक्स से फिजिक्स याद रखना, हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या कहीं कोई भी फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके माइंड में बहुत इजीली क्लिक हो जाएगा दोस्तों कि फिजिक्स के क्षेत्र में आपको पकड़ना है फिजिकल। अब देखिए, फिजिकल अगर आपको अच्छा करना है तो आप दो तरह से सकते हैं, एक तो रनिंग करके और दूसरी आप जिम जाकर। तो आप रनिंग की वजह आप यहां पे जिम पकड़ना कि हम जो शरीर है वो कहां जिम में जाकर बना सकते हैं बस। तो अब क्या होगा कि यहां पर आपकी ट्रिक ये है दोस्तों कि आप को ये बोलना है कि आपकी जो दीदी है ना, वो आपको बोल रही है कि जिम क्यों जाता है तू। ठीक है, तो आप उनको बोल रहे हैं कि जिम जाने से जो मसल्स हैं हमारे, जो बॉडी के जो मसल्स हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं दीदी। बस यही ट्रिक है दोस्तों। क्या याद करना है, जिम जाने से क्या होती है, जिम में जाने से आपकी बॉडी बनती है, मतलब मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं दोस्तों। बस यही ट्रिक है आपको, इस ट्रिक से आपको तीनों के तीनों नाम याद हो जाएंगे। क्या है ट्रिक, तो चलिए देखते हैं। जिम, ये इसको ध्यान रखना, जिम में मसल्स स्ट्रोंग होते हैं दीदी। ठीक है, ये है दीदी, मतलब आप आपकी दीदी को बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, जिम में मसल्स स्ट्रोंग होते हैं दीदी, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जिम जाने से मसल्स स्ट्रोंग होते हैं दीदी। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी ट्रिक। तो यहां पर आप जिम से पकड़ना जेम्स पीबल्स, दोस्तों ध्यान रखना, जिम से जेम्स पीबल्स। देखिए इसमें साउंड मिल रहा है, जिम और जेम दोनों सेम हो रहा है, आपको इजीली याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आपने इसको 2 से 3 बार हंसते खेलते अगर आपने इसको याद कर लिया ना, तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो एग्जाम में आप इसको क्लिक जरूर करके आओगे, इसको सही जरूर करके आओगे, इतनी मेरी गारंटी दोस्तों। ठीक है, तो जिम से आप पकड़ना जेम्स पीबल्स। ठीक है, और अब जब अपन बात करें मसल्स की, देखना ये जितने भी मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में बनाए हैं, ठीक है, इन ये आपके क्या रहेंगे, इनके नाम से ही मैंने ट्रिक बनाई है। तो जिम से हो गया जेम्स पीबल्स, मसल से आपको याद रखना है दोस्तों, जो मसल्स हैं इससे आपको याद रखना है मिशेल मेयर। ठीक है, ध्यान रखना, आई थिंक मैं जितना मुझे पता है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी और इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लें। तो मिशेल मेयर ये दूसरे बंदे हैं, ठीक है, इनका भी हो गया। अब अपन बात करते हैं दीदी, तो जो दीदी है इस दीदी से आपका बनेगा डीडीआर क्वेलोज, डीडीआर क्वेलोज, दीदी से डीडीआर क्वेलोज याद रखना। और एक चीज और इसका अपोजिट भी याद रख सकते हैं, देखो स्ट्रोंग, स्ट्रोंग का अपोजिट होता है, ठीक है, लूज, स्ट्रोंग मतलब मजबूत, और इसका अपोजिट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल को अपन बोले और अच्छे से तो लूज होता है, क्योंकि जिम में एक्चुअली अपनी बॉडी भी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो बस आप यहां से कैसे भी करके आप ये चीजें बना सकते हो। तो आई थिंक ये भी चीज आपको समझ में आई होगी, तो दोस्तों इनको नोट डाउन कर लें और बार बार रिवाइज करें, 2 से 3 बार आप इसको कर लेना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।